दुष्यंत साहब नतमस्तक कैसे? मैं ये इसलिए समझना चाहती हूँ कि कोई एक आयोजन करवाता है, कोई एक बाबा सत्संग करवाता है, एक अंधविश्वास, इस बाबा पर तो पहले से ही FIR है ना। जब कोविड काल में उल्लंघन हुआ तो फिर से इस पर एक्शन लिया गया ना, और उसके बाद क्या होता है, अचानक से फिर एक बड़ा आयोजन होता है, इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं, और ये वो बाबा है जो खुद को भगवान के समकक्ष बताता है, भगवान के बराबर बताता है, और लोग अंधविश्वास और भक्ति की चादर में वैसा ही देखते हैं, छोड़ देते हैं उस बात को। लेकिन इतने लोगों का वहां पर इकट्ठा होना किसकी आंख से निकल गया, नजर नहीं आया कि अगर कोई हादसा हो जाएगा तो क्या? बहुत ही आपने महत्वपूर्ण बिंदु को उठाया है। आपने 7-8 ऐसी घटनाओं का जिक्र किया कि जहां भगदड़ हुई और लोगों की धार्मिक आयोजन के दौरान अपनी जान चली गई। लेकिन हमने देखा है शंकराचार्य जी का कोई कार्यक्रम हुआ हो वहां कोई घटना नहीं होती, क्योंकि वो एक प्रमाणिक संत हैं, वो प्रमाणिक बातें करते हैं, अनुशासन में अपने कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और पूरा विधि पूर्वक उसका समापन होता है। हमें ये भी तो देखना चाहिए, आज हमारी ये भी जिम्मेवारी है कि जो सत्संग केंद्र बना हुआ है, जो कथित रूप से जिस व्यक्ति ने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया है, क्या वो अंधविश्वास तो नहीं फैला रहा है? क्या हमारे राज्य में या केंद्र स्तर पर ऐसा कानून है जैसा महाराष्ट्र में अंधविश्वास को रोकने के लिए कानून बना हुआ है, कर्नाटका में बना हुआ है, अन्य कई राज्यों में है? तो पूर्णिमा जी, आज केंद्रीय स्तर पर एक ऐसे कानून की भी जरूरत है कि कोई व्यक्ति अंधविश्वास ना फैला सके, स्वयं को भगवान घोषित करके भोले भाले लोगों को बड़ी संख्या में एकत्रित ना कर सके। लाइलाज बीमारियों की गारंटी सुना है कि संत लोग देते हैं, लोग मजबूरी में जाते हैं, कुछ लोग आस्था में जाते हैं, तो कहीं अंधविश्वास फैला के समाज को पीछे धकेलने का काम तो नहीं हो रहा है? इसकी भी जाँच होनी चाहिए, इसको भी केंद्र में रखा जाना चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बात कह रहे हैं, सरकार कह रही है साजिश है, विपक्ष कह रहा है कि प्रशासन का, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, LIU का फेलियर है। ये बात तो चलती रहेंगी, लेकिन हमें आगे भी बढ़ना होगा, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसे अंधविश्वास फैलाने वाले व्यक्ति लोकप्रिय ना हो, उसके लिए भी आज हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। मुझे ये बताइए कि इस बाबा पर कार्रवाई क्या होगी, मुझे ये बताइए कि इसके आश्रम पर बुलडोजर चलाएंगे क्या, इसके होने वाले आगे के आयोजन पर रोक लगाएंगे क्या, इसको बैन करेंगे क्या बाबा को, कि इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद ही ना हो ताकि किसी हादसे का, किसी घटना का कोई स्कोप ही बन सके, और प्रशासन इससे क्या सीख ले रहा है? पूर्णिमा जी, ये एक ऐसी घटना है जिसमें मैं खुद मानता हूं कि जो आरोपी है बाबा, उसका भी नाम FIR में होना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही कि इसमें जब इसका एम्बिट बढ़ाया जाएगा तो उसको इंक्लूड किया जाएगा जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी हमारे राजनीतिक मित्र और जो भी आपके मेहमान हैं, हमारे दोस्त हैं, उन सभी ने अपनी चिंता जाहिर की है और जो भी डिफिशियंसीज हैं उसको उजागर किया है। और मुझे लगता है कि यही सब जानकारी होते हुए ही जिस तरीके से प्रशासन और मुख्यमंत्री जी अपने कदम को बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ाने की बात की प्रियंका जी ने कुछ राजनीतिक बात की, मैं आज उसका जवाब देना नहीं चाहूंगा। ये फोरम, आज का फोरम एटलीस्ट, आज का टाइम और प्रोग्राम ऐसा नहीं जिसमें कोई भी राजनीतिक चर्चा की जाए। हाँ, प्रशासन की कमी है और इसी वजह से प्रशासन के ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, और जितने ज्यादा और पीड़ितों की बात की गई, पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री जी ने खुद बाल सेवा आयोग है, उसके थ्रू जिनके जो भी अनाथ बच्चे हो गए हैं उनके आगे के फ्यूचर को प्लान और उनको आगे के पालन पोषण के लिए, उनकी शिक्षा के लिए जो सरकारी तौर पे किया जा सकता है वो सब करने का प्रावधान ऑलरेडी बोला जा चुका है। तो सिर्फ और जो मुआवजे की राशि के बारे में कोई भी सवाल उठा सकता है, लेकिन किसी को मुआवजा देकर के उसके इस घाव को नहीं भरा जा सकता है। केवल आज उनके साथ खड़े हो करके उनका अच्छा इलाज करके, उनको न्याय दिला करके उनके साथ रहना चाहिए। आप एक काम करिए, उन माँ बाप से जाकर ये सब बातें कह दीजिए जो अपनी 12 साल की बच्ची को तलाश रहे हैं, जो उस भगदड़ के बाद अभी तक मिली नहीं है। आप जाकर उस 6 साल के बच्चे से ये सब बातें कह दीजिए जिसके माँ बाप का शव बिखरा पड़ा था अस्पताल के बाहर, क्योंकि जगह नहीं थी, कहीं सड़क पाट दी गई थी शव के अंबार से। आप जाकर उस नन्हे बच्चे को कह दीजिए जो रोता बिलखता अभी तक ये नहीं समझ पाया है कि उसके परिवार के सब लोग इस सत्संग की भेंट चढ़ गए हैं, अब उसके जीवन में कोई साया नहीं है किसी का ऊपर।
आप जाकर उस माँ बाप को बता दीजिए जिनकी एक नन्ही सी बच्ची मौत के मुंह में समा गई क्योंकि वो उस सत्संग में शामिल हो गए थे और उनका पूरा परिवार जीवन भर के लिए उस मौत के मुंह में रहेगा क्योंकि वो अपनी बच्ची को खुद लेकर गए थे उस सत्संग में। जाकर कह दीजिए ना सबसे ये सब बातें। पूर्णिमा जी, मैं जिस प्रोफेशन से आता हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ और मैं रोज ऐसे लोगों के साथ टच में आता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे लिए उनके माँ बाप हों, किसी के भी माँ बाप हों, मेरे माँ बाप हों, सबके लिए मेरी संवेदनाएं एक जैसी हैं। और बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, इसमें जो भी आरोपी हैं उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये सुनिश्चित किया जाएगा। आप उसके माँ बाप, मेरे माँ बाप, किसी के माँ बाप से ये अपराध कम नहीं होता, ये गलती कम नहीं होती, ये क्रिमिनल निग्लिजेंस कम नहीं होती। हमारा मिल करके ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये दोबारा घटना ना हो, एक ऐसी एसओपी बनाई जाए जो प्रशासनिक फेल्योर हुआ वो दोबारा ना हो। और मुझे लगता है कि आज के दिन कम से कम इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रियंका जी, पूर्णिमा जी, यहाँ पर कौशल कांत जी कह रहे हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई क्या हुई मैं बताती हूँ। उस बाबा को सिर्फ अभी हाउस अरेस्ट किया गया, मतलब इतनी हिम्मत नहीं है कि उस बाबा को प्रॉपरली अरेस्ट करके उसको जेल में रखा जाए। मतलब 121 लोगों की जानों का कोई मतलब नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी क्या समझ रही है अपने आप को? मतलब सिर्फ धर्म के नाम पर अंधभक्ति करने का कानून बनाने की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ पर धर्म के नाम पर अंधभक्त बनाने वालों का संरक्षण हो रहा है। आप बताइए, उस आदमी पर जमीन कब्जा करके आश्रम बनाने का आरोप है, उस आदमी पर महिला के शोषण का, यौन शोषण का आरोप है और वो खुला घूम रहा। बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, बात करते हैं महिला अपराध की, बात करते हैं बच्ची पढ़ाओ और बेटी बचाओ की, यहाँ इतनी सारी बेटियों को उजाड़ दिया, यहाँ पूरे पर परिवार समाप्त हो गए, जो बचे हैं उनके सर से साया नहीं है, और आप बता रहे हैं यहाँ पर बैठ के कठोर कार्रवाई आप मुंह चला के करेंगे क्या? कहाँ दिख रही है आपकी कठोर कार्रवाई? कौन सी कठोर कार्रवाई अपने आप अभी तक की है? जवाब चाहती है देश की। पूर्णिमा जी, मैं इसको राजनीतिक नहीं बनाना चाहता था, लेकिन अरे फिर राजनीति कर रहे हैं आप। अभी आप कह रहे कठोर कार्रवाई करेगा, आप इसको राजनीति बना दे रहे हैं, ये राजनीति। प्रियंका जी सुन लीजिए, प्रियंका जी सुनिए ना, आपने अपना आरोप लगा दिया ना, मैं इस पे जाना नहीं चाहता था पूर्णिमा जी, पर इन्होंने मजबूर किया। आज तक जिस तरीके का ये इंसिडेंस हुआ है, इसका सबसे बड़ा इंसिडेंस हुआ था 2005 25 जनवरी महाराष्ट्र में, जिसमें 350 से ज्यादा लोग मरे थे। मैं पूछना चाहता हूं, मैं वो बोलना नहीं चाहता था, आपको पता है आपने कंपनसेशन कितना दिया था? 25,000 रुपए, ये थी आपकी सरकार। क्या बात करते हैं, सरकार थी, मैं ये नहीं कहना चाहता था, मैं बिल्कुल ये नहीं लाना चाहता था। आपने मुझे मजबूर किया, आपने मुझे मजबूर किया, मैं बिल्कुल इस पर राजनीति नहीं करना चाहता था। कौशल कांत जी, दूसरे के ऊपर एक इंसिडेंट से दूसरे इंसिडेंट को कंपनसेट करना आप कर सकते हैं, 2005 हम नहीं कर सकते, हम जवाब मांग रहे हैं यहाँ बैठ के। कौन सी कठोर कार्रवाई आपने की हमें बता दीजिए, क्या वहाँ भी यही कार्रवाई हुई थी? 2008 में 250, 2008 में महाराष्ट्र में यही कार्रवाई हुई थी जो आपने की थी? प्रियंका जी, क्या निकम्मी सरकार हो चुकी है? इस पर आप राजनीति करें, कौशल जी चर्चा का विषय ये नहीं है। आज की 10 साल में कितनी भगदड़, कितनी मौतें, 20 साल में कितनी भगदड़, कितनी मौतें, यूपीए के शासनकाल में कितनी, एनडीए के शासनकाल में कितनी, आज इसकी बातें नहीं। मैं लगातार कह रही हूँ कि आज कम से कम सियासी नफा नुकसान की प्रियंका जी बात नहीं होनी चाहिए।